दोस्तों गूगल पे का जो इनवैलिड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और बैंक सपोर्ट डिडेंट रेस्पॉन्ड या फिर मैक्सिमम एक्सीडेड ऐसा कुछ लिख रहा था, वो वाला प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का सॉल्व हो गया है। लेकिन रुको रुको, मुझे पता है कि आपका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ कस्टमर केयर ही कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दिया था, जहाँ से कि आप डायरेक्टली अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उनको कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो एक्सपायरी हो गया है। तो इसका रिगार्डिंग आप कैसे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, आप मैसेज से भी बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से भी उनको बात कर सकते हैं, कैसे उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप जब अगर कस्टमर केयर से एक बार बात कर लोगे ना, तो तुम्हारा मतलब कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो गूगल पे को ओपन करना है, और यहाँ पे जो आपका लोगो और आपका UPI ID लिखा होगा, उसमें क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सेक्शन में देख पाएंगे आप कि यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे सबसे बॉटम राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट में ऑप्शन के जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पे आप चार्ट के मदद से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन कॉल वहाँ पे कीजिए। फ़ोन कॉल करने के बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको कॉल बैक करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका नाम लिख दीजिए, जैसे कि जो नाम लिखिए जो कि आपका मेल आईडी के साथ लिंक है, जैसे कि मेरा नाम है चंद्रकांत, तो मैं लिख दिया चंद्रकांत। और यहाँ पे आपको अपने कंट्री लिखना है, जैसे कि हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया टाइप कर दिया, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इशू भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इनवैलिड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एरर, और सेकंड में लिख दूंगा कि बैंक सर्वर डिड नॉट रेस्पॉन्ड, ये लिख दूंगा। ये वाला पहला एरर है, और ये वाला दूसरा, और जो थर्ड में था वो था मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ट्राइड, ऐसा एरर। तो ये वाला एरर मैं लिख के वहाँ पे उनको सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद वो कुछ समय बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट करता हूँ उनको, और उसके बाद वो क्या रिप्लाई देंगे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, ठीक है। अभी सेंड कर देते हैं, अभी मैं रिक्वेस्ट भेज दिया हूँ उनको, थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं उनको भेज दिया हूँ रिक्वेस्ट। उसके बाद जो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे से आएगा, देखिए मेरा अभी कॉल आ गया, और यहाँ पे मैं ओके हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी हेलो, हाँ gmail.com, धन्यवाद सर। कहिए हाँ चंद्रा जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर, मैं जब UPI PIN मतलब कि फॉरगॉट UPI PIN करता हूँ ना, तो वहाँ पे जो कार का डिटेल मांगता है, लास्ट डिजिट दे दिया मैंने, और मैं वहाँ पे मेरा एक्सपायरी डेट डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा था कि क्रिएट UPI PIN लिख के इनवैलिड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ब्रैकेट में एक्सचेंज लिखा हुआ था। और मतलब कि दो तीन बार ट्राई करने के बाद ये भी लिखा है मतलब कि योर बैंक सर्वर डिडेंट रेस्पॉन्ड, समथिंग वेंट रॉन्ग एट योर बैंक सर्वर, प्लीज रिट्राई, यूपी ब्रैकेट में लिखा हुआ है UPNR। मतलब आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब कि हो नहीं रहा था। तो आपके बैंक का नाम बताइए सर, जो ऐड नहीं हो रहा है। SBI SBI, SBI का? हाँ जी, मतलब कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपका SBI बैंक अकाउंट तो एडेड है गूगल पे पर, नहीं, दूसरा अकाउंट है आपका कुछ और? हाँ जी, एक्चुअली एक्चुअली मेरा ये नंबर पे प्रॉब्लम नहीं था, मेरा दीदी का ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो उस नंबर पे ट्राई नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉल किया। नहीं, मतलब किसी और अकाउंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं तो देखिए, मतलब वो आप ही का अकाउंट है या किसी और का नहीं अकाउंट नहीं है? नहीं, नहीं हमारा ही अकाउंट है, लेकिन दीदी के नाम से वो था। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाँ जी दूसरे अकाउंट में दिक्कत आ रही है, हाँ जी तो सर हमें वो इश्यू चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें उसी एप्लीकेशन से कॉल आना पड़ेगा। मतलब जो है कि जिसका अकाउंट है ना, उनको भी एप्लीकेशन से कॉल करें, हाँ जी ताकि हम ये इश्यू उनके अकाउंट से चेक कर सकेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी देखिए, आपने जो अपने एप्लीकेशन से कॉल किया है, तो हाँ मैं जी सिर्फ आप ही का अकाउंट देख पाऊंगा ना, तो मुझे एरर देखना है कि क्या एरर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग स्टेप बता सकते हैं आपको, ठीक है?
अच्छा हम एरर जो बता रहा है हाँ जी हाँ जी हमारे पास उसका सोल्यूशन चेक कर पाएंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। हाँ तो जी उसके लिए कभी क्या होता है एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है या आपका बैंक रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसके हाँ लिए हमें उस एप्लीकेशन से अगर कॉल आता है ना तो हाँ हम जी ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी बता देंगे ताकि आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट जल्दी ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा तो कहीं अपने हाँ जी हाँ जी एप्लीकेशन में कॉल कर लेंगे। ठीक है मैं उसी में नंबर से ट्राई करता हूँ। ठीक है ठीक है थैंक यू सर, सो मच गूगल पे को संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपने देखा कि वो बोल रहे थे कि आपको आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर से ट्राई करना पड़ेगा तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही ट्राई करना है। सेंड कर देता हूँ पहली बार की तरह, अभी भी ये सेंड हो जाएगा।